एक राजा जरूरतमंदों को अपने महल के आंगन में भोजन करा रहा था। राजा का रसोईया खुले आंगन में भोजन पका रहा था। उसी समय एक चील अपने पंजे में एक जिंदा सांप को लेकर राजा के महल के ऊपर से गुजरी। तब पंजों में दबे सांप ने अपनी आत्मरक्षा में चील से बचने के लिए अपने फन से जहर निकाला। तब रसोईया जो लंगर जरूरतमंदों के लिए पका रहा था, उस लंगर में सांप के मुख से निकली जहर की कुछ बूंदें खाने में गिर गई। इस बात का किसी को कुछ पता नहीं चला। फलस्वरूप वे लोग जो भोजन करने आए थे, जहरीला खाना खाते ही उनकी मौत हो गई। अब जब राजा को सारे मृतकों की मृत्यु का पता चला, तो अनजानी हत्या होने से उसे बहुत दुख हुआ। ऐसे में अब दंडाधिकारी यानी कि यमराज के लिए फैसला लेना मुश्किल हो गया कि इस पाप कर्म का फल किसके खाते में जाएगा। पहला राजा, जिसको पता ही नहीं था कि खाना जहरीला हो गया है। दूसरा रसोईया, जिसको पता ही नहीं था कि खाना बनाते समय वह जहरीला हो गया है। तीसरा चील, जो जहरीला सांप ली राजा के ऊपर से गुजरी। चौथा वह सांप, जिसने अपनी आत्मरक्षा में जहर निकाला। बहुत दिनों तक यह मामला यमराज के पास बिना निर्णय के विचाराधीन रहा। फिर कुछ समय बाद कुछ लोग राजा से मिलने उस राज्य में आए और उन्होंने किसी महिला से महल का रास्ता पूछा। उस महिला ने महल का रास्ता तो बता दिया, पर रास्ता बताने के साथ साथ उन लोगों से ये भी कह दिया कि देखो भाई, जरा ध्यान रखना, वह राजा आप जैसे लोगों को खाने में जहर देकर मार देता है। बस जैसे ही उस महिला ने ये शब्द कहे, उसी समय यमराज ने निर्णय ले लिया कि उन मृत लोगों की मृत्यु के पाप का फल इस महिला के खाते में जाएगा और इसे उस पाप का फल भुगतना होगा। यमराज के दूतों ने पूछा, प्रभु ऐसा क्यों, जबकि उन मृत लोगों की हत्या में उस महिला की कोई भूमिका भी नहीं थी। तब यमराज ने कहा कि भाई देखो, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तब उसे बड़ा आनंद मिलता है, पर उन मृत लोगों की हत्या से ना तो राजा को आनंद मिला, ना ही उस रसोईया को आनंद मिला, ना ही उस सांप को आनंद मिला और ना ही उस चील को आनंद मिला, पर उस पाप कर्म की घटना की बुराई करने के भाव से बखान कर उस महिला को जरूर आनंद मिला। इसलिए राजा के उस अनजाने पाप कर्म का फल अब इस महिला के खाते में जाएगा। बस इसी घटना के तहत आज तक जब भी कोई व्यक्ति जब किसी दूसरे के पाप कर्म का बखान बुरे भाव से करता है, तब उस व्यक्ति के पापों का हिस्सा उस बुराई करने वाले के खाते में भी डाल दिया जाता है। अक्सर हम जीवन में सोचते हैं कि हमने जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं किया, फिर भी हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों आया? ये कष्ट और कहीं से नहीं, बल्कि लोगों की बुराई करने के कारण उनके पाप कर्मों से आया होता है, जो बुराई करते ही हमारे खाते में ट्रांसफर होता रहता है।